हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी प्रीलिम्स के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग लगातार क्वेरीज कर रहे हैं, उन्हीं क्वेरीज के आधार पे हम आपके लिए जो ये वीडियो सीरीज़ हैं वो बना रहे हैं कि आप IAS कैसे बनेंगे। तो मित्रों, इसी के आधार पर आप देखिए तो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए। इससे पहले जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रही हैं बहुत सारी सीरीज, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है, दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण एक सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी के सारे अखबार के आपको जितने भी एडिटोरियल्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से एक होलिस्टिक तैयारी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे कोई चैनल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक वरदान है और इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए भी वरदान है, क्योंकि इंग्लिश माध्यम के छात्र सभी अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधाजनक है कि वो 20 मिनट 30 मिनट का एक वीडियो देखें, वो भी आप 2x पे देख सकते हैं। तो आपको इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि आपका एक तो पर्सपेक्टिव ब्रॉडर होगा, और दूसरा क्या होगा, आपका जो है आप क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे ही आपका इससे आपका दूसरी चीज़ क्या होगी मित्रों? दूसरी चीज़ आपकी ये होगी कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। आंसर राइटिंग के लिए डेली आंसर राइटिंग सेशन हम लोग चला रहे हैं। आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जाके हमारे चैनल से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए। तो देखिए मित्रों, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। द हिंदू आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा देखने में वो है तो हम इसको हटा लेते हैं। तो आपको द हिंदू पढ़ना है फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर के अलावा योद्धा मैगजीन, इंडिया ईयरबुक और एनी वन फ्रॉम द करंट अफेयर्स मैगजीन ऑन यूट्यूब। तो देखिए यूट्यूब पे आपको क्या करना है, देखिए करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर में हिंदू, योजना मैगजीन, इंडिया ईयरबुक और कोई भी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन कहाँ से? यूट्यूब से, यानी कि आप IAS की जो दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण है उसके आपको कहाँ से पढ़ना है, वो आपको आप IAS से पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है? आप IAS से पढ़ना है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे, करंट अफेयर्स के लिए आपको हिंदू पढ़ना है, योजना मैगजीन पढ़नी है, इंडिया ईयरबुक और आपको पढ़नी है कोई भी करंट अफेयर मैगजीन फ्रॉम यूट्यूब, यानी कि आपको आप IAS से पढ़ना है। अब आपको हिस्ट्री की हम बता देते हैं, हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी है। ओल्ड NCERT क्लास 11th फॉर एंशंट इंडिया, जो कि है एंशंट इंडिया बाई RS शर्मा। ठीक है, दूसरी है क्लास 11th और 12th की NCERT, क्लास 6 से 12th की NCERT थीम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्लास 6 से 12th तक की। तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 6 से 12th की बुक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा की आपकी कौन सी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मॉडर्न हिस्ट्री से फ्रेंड्स, जो होता है हर साल UPSC का फेवरेट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से UPSC लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे कुछ विशेष फोकस देना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आप चाहें तो थोड़ा कम फोकस दे सकते हैं, मगर मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा। तो फ्रेंड्स आइए अगले उसमें जानते हैं कि ज्योग्राफी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लास 6 से 10 तक की ऑल वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके लिए हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं आप IAS पे, आप उससे ये पढ़ सकते हैं। क्लास 11th और 12th की NCERT आप पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी PDF जो हैं आपको आप IAS के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जुड़ जाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ जाके आपको क्लिक करना है कहाँ पर, टेलीग्राम पे, और आपको सीधे टेलीग्राम के लिंक आपको जोड़ दिया जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड की एटलेस आप ले लीजिए, इसकी भी PDF मैं दे चुका हूँ। मैप्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये भी मैं आपको PDF सब कुछ आपको PDF कहाँ दे चुका हूँ, आप IAS के यूट्यूब चैनल पे, यानी कि टेलीग्राम का जो हमारा चैनल चल रहा है उस पर मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, दे चुका हूँ। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, NCERT क्लास 10th, NCERT 11th 12th, GC लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए GC लियोंग पढ़ेंगे आप, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन और ऑक्सफोर्ड,
और मैप की ये आपको ये पढ़नी है। इसके अलावा देखिए इंडियन पॉलिटी क्लास 11-12 की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत की पीडीएफ, ये सबकी पीडीएफ अगर आप मार्केट से खरीदने में सक्षम नहीं है तो मैं आपको आप आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको दे चुका हूँ, अब आप वहाँ पे जुड़ जाइए और आपको ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो देखिए इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए आपको क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, क्लास की आपको रमेश सिंह की बुक लेनी है इकोनॉमी की, एक बहुत ही ल्यूसिड फॉर्म में एक छोटी सी किताब आ चुकी है वो वाली बहुत अच्छी है। और आप देखिए इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, ये आप पढ़ सकते हैं। कोई भी गुड कोचिंग के नोट्स मैं आपको श्रीराम और अन्य कोचिंग्स के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। विजन आईएएस का इकोनॉमिक सर्वे की समरी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, कहाँ, आपके अपने टेलीग्राम चैनल आप आईएएस पर, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आप आईएएस, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मित्रों इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए क्लास 11 की बायोलॉजी की लास्ट 2 चैप्टर्स ये भी प्रोवाइड हो चुके हैं। शंकर आईएएस, डीआर कुल्लर, डॉक्टर रवि अंगारी सर की बुक हैं, आप इनको भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप जो है पीएमएफ आईएएस करके एक पुअर मैन फ्रेंड आईएएस के नोट्स हैं वो भी रेफर कर सकते हैं। इसमें और शंकर आईएएस में कोई डिफरेंस नहीं है कि शंकर आईएएस जो है ब्लैक एंड व्हाइट है और ये आपको कलर्ड फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसका प्रिंटआउट कलर चाहें तो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जनरल साइंस के लिए क्लास 6 से लेकर 10 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, साइंस रिपोर्टर की मैगजीन आपको पढ़नी है, रवि अगारी सर की बुक्स आप जनरल साइंस के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बुक लिस्ट का जो ये पूरा पेज है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कहाँ, आपके अपने टेलीग्राम चैनल, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम मैं डालूंगा तो लगातार आपको वो रहेगा, मगर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको टेलीग्राम से ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको, आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको हमारे फेसबुक पेज पर भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं, आपको बस फेसबुक पे सर्च मारना होगा आप आईएएस। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम आपके लिए कितने इनिशिएटिव ला रहे हैं, आपको ये चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव फ्यूचर में देने वाले हैं। जल्द हम बात करेंगे कि आपको स्टडी टिप्स किस तरीके से वो होनी चाहिए, ये सभी हम आपसे बात करने वाले हैं, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो बने रहिए आप आईएएस के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिले हमारे चैनल के अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद मित्रों।